सहजनवा तहसील में मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने किया। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों को निस्तारण कराने का निर्देश दिया। इस दौरान बड़गहन के ग्रामीणों ने दुर्गा मंदिर के पास लगे खड़ंजे को गाँव के कुछ लोगों द्वारा उखाड़ कर कब्जा कर लेने की शिकायत करते हुए कब्जा हटाने की मांग की। विनोद कुमार तिवारी निवासी नगर पंचायत सहजनवा वार्ड नंबर 5 सहबाजगंज ने आपूर्ति निरीक्षक द्वारा रिश्वत की जो सीडी अधिकारियों को दी उसके परिपेक्ष में फर्जी रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया। गोलूपुत्र राम सिंह निवासी भीटी रावत टोला चकिया ने लो वोल्टेज से इलेक्ट्रॉनिक सामान जल जाने का आरोप लगाया। जावेद निवासी हरपुर ने कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। सुनील यादव ने निवासी नगवा ने जैतपुर व नगवा चौराहे से मुख्य सड़क पर हो रहे जल जमाव से निजात दिलाने की मांग की। कलावती देवी निवासी डोमहर माफी ने अनुदान की राशि दिलाने की मांग की। वहीं सुमई निवासी बरेईपार ने प्रधानमंत्री आवास दिलाने की मांग किया। शिकायतों में नलकूप आपूर्ति रास्ते राजस्व पुलिस विद्युत के मामले अधिक देखे गए। इस दौरान 167 मामले आए जिसमें 12 मामलों का निस्तारण किया गया जबकि 2 मामले पूर्व के लंबित हैं। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उप जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका मुख्य चिकित्सा अधिकारी एस के त्रिपाठी परियोजना निदेशक अनिल सिंह डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर जिला आपूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह बीएसए बीएन सिंह एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा बीडीओ डॉक्टर चंद्रशेखर कुशवाहा बेचनराम सीडीपीओ संजय कुमार इंस्पेक्टर थाना गीडा दिलीप कुमार सहजनवा थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्र हेमेंद्र पांडे सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। तुम्हारा क्या हो गया? कोई नहीं कराएगा।